हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ गोवा सीरीज। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं अघोड़ा फोर्ट। तो अगर आपको यहां पर गोवा एक्सप्लोर करना है तो यहां पर आपको रेंटल स्कूटीज और कार्स मिल जाती हैं। तो आज मैंने और मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं, हमने कार रेंट पे ले रखी है और अभी हम अघोड़ा फोर्ट पहुँच चुके हैं। तो अब मैं आपको अघोड़ा फोर्ट दिखाता हूँ, साथ साथ यहाँ की कुछ एक हिस्ट्री बताता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे नॉर्थ गोवा और अभी हम पहुंच चुके हैं अघोड़ा फोर्ट जो कि कैंडोलिम में है। एंड 1612 में अघोड़ा फोर्ट को पोर्चुगीज ने बिल्ड किया था एंड द वर्ड अघोड़ा मीन्स फ्रेश वाटर इन पोर्चुगीज लैंग्वेज। और पोर्चुगीज का मेन पर्पस अघोड़ा फोर्ट को बनाने के पीछे ये था ताकि वो मराठा और डच इन्वेडर से अपने को डिफेंड कर सके। तो गाइस अगर फोर्ट की बात करें तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फोर्ट है क्योंकि इसके साथ ही बिल्कुल ओशन है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है और यहाँ पर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है शिमला के कंपैरिजन में। और भी हम काफ़ी सारे जगहों पर जाएंगे तो आपको आगे ब्लॉग में बताते रहेंगे। और ये गोवा की एक वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। तो ऐसा कुछ था अघोड़ा फोर्ट। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं गोवा की सेलुलर जेल में और एक बारी आप यहां की लोकेशन चेक करो। तो अभी अघोड़ा फोर्ट और सेंट्रल जेल को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर और अभी हम जा रहे हैं क्रूज पर। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है क्रूज पर। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि सनसेट भी होने वाला है तो आज का सनसेट क्रूज पर ही इंजॉय करेंगे। तो अभी हम सारे फ्रेंड्स मिलकर क्रूज पर आ चुके हैं और अभी काफी सारी डांस परफॉर्मेंस भी होने वाली है। सो स्टे ट्यून इन द वीडियो। तो जब कभी भी आप गोवा आओगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कसिनोज देखने को मिलेंगे जैसे मैजेस्टिक प्राइड, कसिनो प्राइड और सामने देख सकते हैं आप डेल्टन रॉयल। तो यहाँ पर आपको एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो अभी क्रूज पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद हम जा रहे हैं अपनी लास्ट लोकेशन पर। और आप गोवा अगर एक भी दिन बीच पर ना जाओ तो इस तरह आपका दिन कंप्लीट नहीं होता। तो अभी हम जा रहे हैं कैंडोलिम बीच जो यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर है। सुबह आपसे डायरेक्ट बीच पर मिलते हैं।
तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ की वाइफ काफी ज्यादा लाइवली है, तो इफ यू आर अ पार्टी पर्सन देन मेक श्योर टू विजिट दिस बीच। So this is it for the second episode. I hope you liked it. Make sure to like, share and subscribe. Thanks for watching.